भारत में नहीं, मैंने वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट किया है, मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है। मौका अगर मिला जी तो क्या करेगा प्रेम? मैं अपने राष्ट्र का झंडा हमेशा ऊंचा रखूंगा। मम्मी कहाँ है आपकी? वो नहीं है। माँ नहीं है आपको? ना। मम्मी 10 साल पहले ही चल बसी। फिर कैसे पालन पोषण हुआ आप? बदलते बिहार की कई कहानियां आप हमारे साथ देखते हैं और आज हम खड़े हैं, ये पटना का गोनपुरा गांव है, ये समझ लिया। और इस गांव में हम इसलिए आए कि यहां का एक बच्चा इसी सराउंडिंग में रहते हुए अमेरिका जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उसका बेटा अमेरिका में पढ़ेगा और उसके लिए 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली है इसे। चलिए सीधा प्रेम कुमार है, उनसे मिलवाते हैं, ये घर है उसका और प्रेम सामने से आ रहे हैं। सबसे पहले प्रेम आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर इस अचीवमेंट के लिए। प्रेम के पिताजी इधर हैं, क्या करते हैं सर आप? सबसे पहले आप ही से बात करेंगे। खेती बधारे में काम करते हैं। तो मजदूरी करते हैं, पढ़े लिखे हैं आप? ना, हमें को पढ़ा लिखा नहीं, तो रोजी रोटी मजदूरी से चलता है। हाँ। प्रेम सबसे पहले तो बिहार के तमाम दर्शकों की तरफ से, आपको जो लोग देख रहे हैं सबके तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। ये पीछे घर है प्रेम का, इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे कहाँ कैसे हुआ ये? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का, जो भी देख रहे हो उनका भी और सभी का आशीर्वाद के लिए जी। ये कैसे हुआ ये बताइए आप। देखिए इसके लिए तो फॉर्म आता है, तो सारे कॉलेज का फॉर्म निकला हुआ था, तो मैंने सारे फॉर्म भरे और फॉर्म भरने के बाद वो जो भी उनका जो भी, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं सेकेंड राउंड के लिए तो आपका इंटरव्यू वो फर्दर मतलब कि करते हैं, तो मेरा वो एप्लीकेशन फर्दर वो मतलब वो अप्रूव किए कि आपका एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है और हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं इस लफायट कॉलेज से, जहाँ से मुझे 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली है। तो वहाँ से मुझे इंटरव्यू हुआ और फिर प्रोसेस बहुत सारे लगे उसमें, पहली बार में नहीं हुआ, साथ में उसका पहले डेफर्ड हुआ, फिर वेट लिस्ट हुआ, फिर फाइनली April 28, 2022 को मेरी सिलेक्शन हुआ इस कॉलेज में। तो एक जो है ये सराउंडिंग है, इधर कैमरा अगर आपको दिखाएगा, देखिए ये सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग से निकल करके एक बच्चा इंग्लिश में वोकल मतलब फॉरनर्स की तरह प्रोनाउंस करता है। हाँ। ये कैसे हुआ, हाउ इट पॉसिबल? देखिए ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक सपना है, एक चाहत है, कुछ कर गुजरने की चाहत है कि हम नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं अपने समाज के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी मैं कुछ करूं। ये ऐसा को मुसहरी बोलते हैं, मुसहर कम्युनिटी के लोग। हाँ। वो लोग मुसहर क्यों बोलते हैं पता है आपको? आप जाने इस चीज़ को कभी, मुसहर क्यों बोलते हैं? देखिए जिस तरह की मतलब कि समाज की जो भी बनाई गई है कि हम लोग, हम जो जिस जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से जिसे आते हैं कि महादलित, जो हमें मुसहर की आइडेंटिटी से जानते हैं, ये इससे ही प्रथा की कि पहले शायद हम लोग को इतनी खाने की नहीं थी, तो शायद ये कह सकते हैं कि उस समय मतलब जो भी उनका बनता था वो मूस का चूहे मार के खा लेते थे लोग जी, वो उसका आहार बनाकर खाते थे। पर अब ऐसी नहीं, अभी स्थितियाँ बदल रही हैं, लोग काफ़ी विकसित हो रहे हैं, यही बदलते समाज का परिचायक है। जिस कम्युनिटी को आप कहते हैं कि चूहे मार के खाता था, उस कम्युनिटी का ये बच्चा देश का परचम अमेरिका में लहराएगा, झंडा लहरेगा ना वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या मैं बहुत मेहनत करूँगा, जिस तरह से अभी यहाँ प्रोत्साहन हो रहा है, लोगों का सपोर्ट हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ का झंडा हमेशा, मतलब अपने राष्ट्र का झंडा हमेशा ऊँचा रखूँगा। इसमें पूरा परिवार 5 लोग आप लोग इसी में रहते हैं? ये क्या, ये किचन है? इसमें नहीं किचन नहीं है, तो हमारे पास बकरियाँ, बकरियों को रखते हैं इसमें। एक बार आप दिखाइए ना, आप शर्मा क्यों रहे हैं, देश देखेगा ना, बिहार में यहाँ से भी लोग अचीवमेंट पाता है। देखिए ये बकरियों को रखने का घर है, इसमें कुर्सी लगा हुआ, चूल्हा भी इसी में बना है। एक ये कमरा है इनका, दूसरा कमरा दिखाइए आप क्या है इसमें, इधर में ये वाला कमरा है दूसरा, ये देखिए हाइट इसका देख लीजिए, मुश्किल से घुस पाते होंगे लोग इसमें। एक बेड लगा है इधर में, एक चौकी है, इधर आइए, इसमें किताब कॉपी है, देखिए सामने खाना बना है, और इसी तरह से इसी कमरे के अंदर रहना खाना, इधर इसमें गेट भी नहीं है, तो डर नहीं लगता रात रात में सोने में इधर में? नहीं नहीं। और ये क्या कमरा क्या है, ये बेडरूम है आपका? हाँ, बिजली नहीं है। अच्छा अभी बिजली नहीं है इसमें, देखिए ये, देखिए ये किचन है, अगर आंसू सामने नज़दीक आएगा तो नज़दीक दिखेगा आपको, ये किचन है, और ये देखिए 3 मसाले के डब्बे रखे हैं इधर में, और ये खाना इधर में देखिए पका हुआ, ये क्या बना है, ये क्या बना है? शायद आलू बैगन का बना है, आलू बैगन की सब्जी। हाँ, और चावल बना है, चावल बना है। तो आप बड़ी बहन है उनसे? हाँ। कितनी पढ़ी लिखी है आप? हम बीए पार्ट 1 में। तो भाई जाएगा विदेश पढ़ने के लिए, लगा था कभी कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं नहीं, मुसहरी का एक बच्चा अमेरिका चला जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था, बट इसके मेहनत और लगन की मतलब जो कहा जाए कि वही फल मिला है, जो मेहनत करता है बहुत ज्यादा और मतलब सब कुछ में अव्वल है, तो शायद उसी का परिणाम है कि वहाँ पे चयन हुआ इसका कॉलेज में। घर देख लिया आपने, और इस घर के इस बच्चे
के बारे में देख भी लिया, बकरियां ऐसे घूम रही हैं, इन चीज़ों से उभरेगा परिवार कैसे? देखिए, इससे उभरने का यही है कि हम पढ़ने जा रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी है इस चीज़ का, और मैं चाहूँगा कि मैं पढ़ कर आऊँ तो इसे सुधार करूँ। साथ ही मैं ही सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं तो वहाँ चला जाऊँगा, पर मेरी जाते ही मेरी जो चार बहनें हैं वो ऐसी ही रह जाएंगी, और मेरे पिताजी जो मजदूरी करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन्हें कुछ सपोर्ट मिले ताकि मेरे परिवार को वहाँ देखे और मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत है। ये वो क्या है, ये मास्टर्स क्या है वो? ये स्वामी विवेकानंद है। अच्छा, वो स्वामी विवेकानंद को भी आप पढ़ते हैं? हाँ, स्वामी विवेकानंद की किताब। तो ये सब किताब पढ़ते हैं, किताब निकाल के पढ़िए। देखिए, एक बहन इधर ही लेटी है, सामने देखिए पंखा किस हाइट पर लगा है। देखिए, इन सब चीज़ों को भी आपको देखना है। ये एक सोसाइटी है जो ऐसे जी रहा है, लेकिन वहाँ से एक बच्चा निकल के ये आगे चला जा रहा है और अमेरिका जाएगा पढ़ने के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। लोग देश में नहीं कर पाते ऐसे सपना, लेकिन इस एक झुग्गी टाइप घर से निकल करके यह बिहार का बेटा जाएगा विदेश पढ़ने को। तब मम्मी कहाँ आपकी? वो नहीं है। माँ नहीं है आपको? ना, कोई नहीं। तो चल बसी 10 साल पहले। हाँ, मम्मी 10 साल पहले ही चल बसी? हाँ, बिल्कुल। फिर कैसे पालन पोषण हुआ आप लोगों का? जैसे मैंने बताया कि मैं जब 6 साल का था, तभी मैं एक एनजीओ में रेसिडेंशियल पुलिस रेसिडेंशियल स्कूल है उसी में मैं पढ़ा। माँ कैसे गुजर गई? वो ठंडने के कारण उनका देहांत हो गया, ठंड लग गया था। तो चलिए, एक सामाजिक संस्थान है जी जो इसको ऊपर यहाँ तक ले जा रहे, और ये बच्चा जो इस सराउंडिंग्स है, डिक्शन इसका देखिए जो एकदम कैसे है, मतलब इंग्लैंड वाला या कहीं फॉरेनर का जो डिक्शन आता है वो कहाँ सीख लिए? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं शुरू से ऐसे मैं हूँ और काफ़ी रुचि मुझे बताया वो पढ़ने में। एक घर, घर के बाहर चूल्हा, उसी तरह से देखिए ये घर है, हमारा जितना हाइट है उससे भी छोटा इसका घर का छत है, समझ लीजिए। इस घर के अंदर प्रेम रहते हैं और प्रेम के की का पूरा परिवार रहता है। मम्मी नहीं है, चार बहनें, एक भाई, और जो है तो पिताजी दिहाड़ी मजदूरी से सबका खर्चा निकाल लेते हैं। कभी कभी बहुत मुश्किलें होती हैं, हालांकि नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर मेहनत करते हैं ताकि घर का गुजारा हो सके। बताइए, कितना बड़ा बात आप लोगों के लिए? बहुत अच्छी बात है। मेरा बच्चा पूरे भारत में फर्स्ट आया है, और यही एक महादलित का पहला रिकॉर्ड तोड़ा है सर। बच्चा पहला रिकॉर्ड तोड़ा है, इसको तो प्राइज बहुत बड़ा मिलना चाहिए सर, और बहुत योगदान प्रधानमंत्री को करना चाहिए, मुख्यमंत्री करना चाहिए। इसका बाप महीना में यहाँ देहात है सर, मतलब गांव का क्षेत्र है, तो न इसके पास साइकिल है न कोई साधन है, तो कैसे कमाया जाएगा पटना फुलवारी? तो बेचारा 10 दिन किसान है गया, अभी मोड़ी के समय आया है, रोपन डोपन होता है, तो उसमें कोई मोड़िए का वाला बोल दिया तो क्या मिलेगा भाई, 150-200 रुपया भर दिन खटेगा तो मिलेगा, भोजन मिलेगा वहाँ, फिर आएगा तो घर में सांझ में वही 150 में पूरा परिवार चलाना है, समझिए। एक दिन की मजदूरी, और उस मजदूरी पर जो है 5 लोगों का जो है खाने जी, और महीना में काम पूरे महीना नहीं लगता है ना सर, देहात का काम है, कोई किसान का काम पड़ा 2 दिन का, वो 2 दिन बुला के ले गया, फिर तो बैठ जाता है ना। लोग कहते हैं कि दलित और महादलित या शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं वो रिजर्वेशन के बदौलत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सरकार उसे आरक्षण दे रखी है। क्या लगता है, टैलेंट से आप आगे जा रहे हैं या आपको कोई रिजर्वेशन मिला है? मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है, मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया है, और बहुत ही कम, ये सिर्फ भारत में नहीं, मैंने वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट किया है, तो कहेंगे कि ये मेरी मेहनत की बदौलत है और लोगों का सपोर्ट इसमें रहा, जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी, मुझे मेंटोर किए हैं और मुझे रास्ता दिए, मुझे गाइड किए हैं, तो ये है कि ये मेरी मेहनत है और लोगों का सपोर्ट था इसमें, ये कोई रिजर्वेशन नहीं था मेरे लिए। समय लिए रिजर्वेशन पे चिल्लाने वाले लोग जो कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के ऐसे बच्चे रिजर्वेशन के दम पर अपनी सफलता पा लेते हैं, वो देखिए ऐसे झुग्गी से निकल करके अमेरिका जाएगा ये बेटा पढ़ने के लिए, समझ गए, दलित का बेटा है और अमेरिका में पढ़ेगा, झंडा लहरेगा ना? बिल्कुल सर, हम 2-3 बार पूछ चुके हैं जी सर, बिल्कुल। देखिए, ये जाएगा और तिरंगा किसान बढ़ा के आएगा, इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ, यही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? इसी उम्मीद के साथ एक बार हम आपके पास छोड़े जा रहे हैं, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। हाँ, और क्या चीज़ का कोर्स करेंगे, कौन सा यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करने के लिए आपको स्कॉलरशिप मिला, और वहाँ अमेरिका में कहाँ है वो, और क्या पढ़ेंगे आप वहाँ? जी, मुझे लफायट कॉलेज में, मेरा लफायट कॉलेज में है, हुआ है, और वहाँ मैं पढ़ूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और साथ में माइनर मेरा है इंटरनेशनल अफेयर्स में पढ़ूँगा। तो समझिए, सपने बड़े हैं और सपने को उड़ान मिलेगा जब आप सबों का सपोर्ट मिलेगा। तो बिहार के ऐसे गुदरी के लाल को लगातार हम दिखा रहे हैं, ऐसे कई वीडियोस हमने दिखाया है, और बदलते बिहार की कई तस्वीरों को भी हमने दिखाया है। लोग कहते हैं कि कोई आरक्षण या रिजर्वेशन से आगे बढ़ जाता है, लेकिन जिस बच्चे में ऐसे काबिलियत हो तो इस तरह की झुग्गी से निकल कर भी वो अमेरिका पहुँच जाता है पढ़ने के लिए। प्रेम आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करें, हम सबों की तरफ से उसे ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।